अच्छे और मजेदार न्यूज हिंदी में देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में रहे बेल आइकॉन को दबा दीजिए। जमाना चाहे कितना भी बदल गया हो, लेकिन आज भी महिलाओं पर होने वाले शोषण थमने का नाम नहीं ले रहा। गांवों में आज भी महिलाएं शोषण का शिकार हो रही हैं। आए दिन रेप के मामले सुनने को मिलते हैं। आज हम आपको एक ऐसे गाँव के बारे में बताने जा रहे हैं जहाँ 10 रुपए के स्टाम्प पर मुहर लगाकर लड़कियों को बेच दिया जाता है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में धड़ीचा नाम प्रथा निभाई जाती है। यह प्रथा औरतों की खरीद फरोख्त की ऐसी प्रथा है जिसकी शिकार युवतियों के पति स्टाम्प पर साइन होते ही बदल जाते हैं। इस प्रथा में बिकने वाली औरत और खरीदने वाले पुरुष के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। ज्यादा रकम होने पर संबंध लंबे समय तक रहता है, वहीं अगर रकम कम हो तो जल्द ही खत्म हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर महिला का दूसरे पुरुष के साथ सौदा कर दिया जाता है। गाँव में रहने वाली एक महिला का कहना है कि इस कुप्रथा को खत्म करने के लिए कई बार सरकार ने प्रयास भी किए, लेकिन फिर भी यह प्रथा खत्म नहीं हुई। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और कमेंट में अपने सुझाव दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।